अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ा रहा था। टाइप ऑफ लिगेंड में मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ाया था। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में मैंने आपको मोनोडेंटेड लिगेंड्स पढ़ाए थे। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, मतलब कि जिनमें एक ही दाता परमाणु हो। और कुछ मैंने आपको ऐसे लिगेंड भी बताए थे जो मोनोडेंटेड के साथ वाई डेंटेड की तरह भी कभी कभार बिहेव करने लगते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। अभी मैंने पॉलीडेंटेड को इस प्रकार डिवाइड नहीं किया है कि ये बाईडेंटेड है या ये ट्राईडेंटेड है या ये हेक्साडेंटेड है या ये पेंटाडेंटेड है। तो हम इसको डिवाइड करने यहीं पर इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे कि ये मोनोडेंटेड है या बाईडेंटेड है या ट्राईडेंटेड है। और आप जानते होंगे कि मोनोडेंटेड क्या होता है, जिसमें वन डोनर एटम हो। बाईडेंटेड क्या होता है, जिसमें टू डोनर एटम हो। ट्राईडेंटेड क्या होता है, जिसमें तीन डोनर एटम हो। टेट्राडेंटेड क्या होता है, जिसमें चार डोनर एटम हो। पेंटाडेंटेड क्या होता है, जिसमें पांच डोनर एटम हो। और हेक्साडेंटेड क्या होता है, जिसमें छह डोनर एटम हो। अब देखिए हम इन लिगेंड्स को पढ़ते हैं पॉलीडेंटेड। ये सारे पॉलीडेंटेड हैं क्योंकि इनमें मोस्टली सिर्फ ये प्रोटीन, ओनली प्रोटीन क्या है, मोनोडेंटेड। ये सभी क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इनमें एक से अधिक डोनर एटम है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हम सबसे पहला लिगेंड पढ़ते हैं एथिलीन डाइएमीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल ई और स्मॉल एन के रूप में क्या करते हैं, शो करते हैं। ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन। और आपको बता दूं, जो ये वाला ग्रुप है CH2 और CH2, इसे बोलते हैं एथिलीन। एक एथिलीन ग्रुप लगा हुआ है और इससे दो NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, एमीन। जो यदि NH3 होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, यदि NH पर कोई चार्ज नहीं होता उससे क्या लिखते हैं, एमीन। और यहाँ पर कितने एमीन हैं, दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एथिलीन डाई एमीन। और यहाँ पर डोनर एटम कौन से हैं, NN। डोनर एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जिनके नीचे मैंने रेड मार्क कर रखा है और लिख भी दिया है कि ये क्या है, NN। और ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड। कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड, मतलब उदासीन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट लिगेंड का नाम क्या है, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इसका मतलब क्या है, दो एथिलीन ग्रुप होंगे और तीन NH ग्रुप होंगे, नाइट्रोजन तीन होंगे इसमें। तो देखिए, और इसे शॉर्टली किससे शो करते हैं, डाई EN, क्योंकि इसमें जो ये EN ग्रुप हैं, ये कितने जुड़े हुए हैं, दो EN ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए, ये एक EN ग्रुप, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने दूसरा EN जोड़ दिया। और जब दो एक जैसे समूह जुड़े होते हैं तो हम उसके आगे डाई लगा देते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, डाई EN। तो देखिए, एक एथिलीन ग्रुप ये रहा, एक एथिलीन ग्रुप ये रहा, कितने एथिलीन ग्रुप हो गए। देखिए, ये वाला एक एथिलीन ग्रुप ये रहा, एक एथिलीन ग्रुप ये रहा, दो एथिलीन ग्रुप हो गए। तो डाई एथिलीन, कितने नाइट्रोजन वाले समूह हैं, तीन, तो ट्राई एमीन। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डाई ईन, डी आई ई एन। और इसमें कितने डोनर एटम है, तीन, और तीनों ही कौन से हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और ये भी कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। नेक्स्ट देखिए, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, जिसे शॉर्टली किससे शो करते हैं, ट्राई ईन, TRIEN, TRIEN। यदि आपको कॉम्प्लेक्स में लिखा होगा तो इतना बड़ा नाम लिखा नहीं होगा, सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी होंगी, TRIEN, DIEN, EN, ये सारी लिखी होंगी। और TRIEN में क्या होता है, देखिए कि TRIEN में तीन एथिलीन ग्रुप हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई एथिलीन, तो एक एथिलीन ग्रुप, दूसरा एथिलीन ग्रुप और तीसरा एथिलीन ग्रुप। टेट्रा एमीन मतलब नाइट्रोजन समूह वाले कितने ग्रुप हैं, चार, तो कितने हैं, एक दो तीन और चार, कितने नाइट्रोजन समूह वाले ग्रुप हैं, चार। तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। अब देखिए, यहाँ पर डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, और कितने डोनर एटम हैं, चार, तो ये कौन सा लिगेंड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड। ये कौन सा है, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ये कौन सा है, वाइडेंटेड लिगेंड। ये कैसा लिगेंड है, ध्यान रखना, क्योंकि दो डोनर एटम है तो
वाइडेंटेड, तीन डोनर एटम है तो ट्राइडेंटेट, चार डोनर एटम है तो टेट्राडेंटेट, तो ये हम किसके आधार पर, देखो ये तो हो गया न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव किसके आधार पर, चार्ज के आधार पर। दूसरा आधार क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम के आधार पर, कि वाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है या पेंटाडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है और सो ऑन। नेक्स्ट है आपका ऑर्थो फिनेंथ्रोलीन, क्या है ऑर्थो फिनेंथ्रोलीन, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, इस प्रकार। और इसमें आपके डोनर एटम क्या हैं, डोनर एटम है नाइट्रोजन, जिनके नीचे मैंने रेड मार्क कर रखा है, ये दोनों डोनर एटम हैं। और ये डोनर एटम कितने हैं, दो, तो ये किस प्रकार का लिगेंड है, वाइडेंटेड लिगेंड, किस प्रकार का लिगेंड है, वाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट देखिए ये क्या है आपका, नेक्स्ट लिगेंड 2,2-Y-pyridine। अब देखिए 2,2-Y-pyridine, ये 2 क्यों लिखा है 2,2, जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो नंबरिंग करते हैं हेट्रो एटम से, बाकी तो सारे कार्बन है, हेट्रो एटम कौन सा है यहाँ पर, नाइट्रोजन। और 1,2,3,4,5,6 इधर से भी 1,2,3,4,5,6, क्योंकि इस वाली रिंग के लिए ये वाली रिंग प्रतिस्थापी होगी और इस वाली रिंग के लिए ये वाली रिंग क्या होगी, प्रतिस्थापी। और हम प्रतिस्थापी को जब नंबरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, कम अंक देते हैं, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करिए, 1,2,3, क्योंकि बहुत से सोच रहे हैं कि सर आपने नंबरिंग यूँ स्टार्ट क्यों नहीं करी, मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि इस रिंग, जब इसको प्रिंसिपल रिंग मानोगे तो ये वाली रिंग इसके लिए क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापी, जब इसे प्रिंसिपल रिंग मानोगे तो ये वाली रिंग इसके लिए क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापी। और हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलें। तो ये कौन कौन सी पोजिशन पर है, ये भी 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और ये भी 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, दोनों कौन सी रिंग है, पिरिडीन रिंग। और जब दो रिंग आपस में जुड़ी होती हैं तो उसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं बाई, क्या लगाते हैं, बाई। जैसे आपने देखा होगा जब दो रिंग आपस में जुड़ी होती हैं तो आप प्रीफिक्स में ये भी लगाते हो कि बाई साइक्लो, आपने नॉमनक्लेचर पढ़ा होगा तो ऑर्गेनिक में। तो देखिए तो हमने प्रीफिक्स क्या लगाया, बाई, कौन सी रिंग है, पिरिडीन, सबसे पहले कौन से नंबर पे जुड़ी है, 2, और ये भी 2, कितनी रिंग है, 2, तो वाई पिरिडीन। अब इसको शॉर्टली क्या लिखते हैं, BIPY, बिप्पी। इसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं, 2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब ये कैसा, ये कैसा है, न्यूट्रल, कैसा है ये, न्यूट्रल। और कैसा लिगेंड है, वाई डेंटेड लिगेंड, क्योंकि कितने डोनर एटम हैं, 2 डोनर एटम हैं, कितने डोनर एटम हैं, 2। अब देखिए ये है आपका EDTA-3, EDTA आप बहुत सुनते हो और आपकी एग्जाम में 100% पूछा जाता है, जो आपके शुरू के मार्क्स के शुरू में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं हाफ ऑफ मार्क्स के, उनमें 100% पूछा जाता है, या तो EDTA-3 पूछता है या EDTA-4 पूछता है, या इसमें ये पूछता है कि EDTA कितनी रिंग बना सकता है, कितनी कीलेट रिंग निर्माण कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए EDTA-3, तो क्या नाम है इसका, EDTA का फुल फॉर्म एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, या तो ये बोल सकते हो या एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, क्या बोलोगे, ट्राई एसीटेटो, क्योंकि आपको पता हो तो अपन ने जब ये लिखा था CH3COOH-, इसे क्या बोलते हो अपन, एसीटेट, और एसीटेट को हमने क्या लिखा था, एसीटेटो, तो यहां पर हमने भी क्या किया है, एसीटेट को किस में चेंज कर दिया, एसीटेटो में। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, इसमें कितने डोनर एटम है, कितने रेड मार्क्स कर रखे हैं, देखो 2 तो मैंने नाइट्रोजन मार्क्स कर रखे हैं
और तीन मैंने ऑक्सीजन मार्क्स कर रखे हैं। नाइट्रोजन्स को मार्क्स क्यों कर रखा है, क्योंकि इन पे क्या पाए जाते हैं, एलपी, क्या पाए जाते हैं, एलपी। और ये ऑक्सीजन मार्क्स क्यों कर रखे हैं मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली दे सकता है। तो कितने डोनर एटम होगा यहाँ पर, 5 डोनर एटम। और जब 5 डोनर एटम है तो ये कैसा हो जाएगा, पेंटाडेंटेड लिगेंड, कैसा हो जाएगा, पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये कैसा लिगेंड है, पेंटाडेंटेट, ठीक है। और इसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो तो ये नाइट्रोजन हो गए, एक ये ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं EDTA-4, कुछ नहीं किया इसके, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या ग्रुप जोड़ दिया, CH2COO-, जो अपना एसीटेटो है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एथिलीन डायमीन, ये क्या है आपका एथिलीन, ये क्या है डायमीन, इससे क्या जुड़े हुए हैं, ये एसीटेट। तो ये यहाँ पर तीन एसीटेट आयन जुड़े हुए, तो ट्राई लिख दिया था, यहाँ पर चार जुड़ गए हैं तो टेट्रा लिख दिया। क्योंकि देखिए ये आपकी एथिलीन डायमीन, यही सेम चल रहा है, एथिलीन डायमीन, सिर्फ इसमें क्या किया, इसमें इसके दोनों हाइड्रोजनों को रिप्लेस किया, इसके दोनों हाइड्रोजनों को रिप्लेस किया और यहाँ पर एसीटेट आयन लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, कितने एसीटेट हैं, चार, तो टेट्रा एसीटेटो। अब इसमें देखिए डोनर एटम कितने हैं, दो तो नाइट्रोजन है और चार ऑक्सीजन है, 6 डोनर एटम है, 6 डोनर एटम होते हैं, तो क्या होगा, वो कैसा होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड, कैसा होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये आपका पेंटाडेंटेट था, ये हेक्साडेंटेट था। अब कोई आपसे एग्जांपल पूछे कि बाइडेंटेट का एग्जांपल दो, ट्राइडेंटेट का दो, टेट्राडेंटेट का दो, पेंटाडेंटेट का दो, हेक्साडेंटेट का दो, मोनोडेंटेट का दो, तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि नंबर ऑफ लिगेंड के आधार पे आप जो आपके लिगेंड्स हैं कितने प्रकार से डिवाइड हो सकते हैं। अब देखिए ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया, और कौन कौन से हैं इसमें डोनर एटम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हैं जिन पे मैंने रेड मार्क्स कर रखा है, चार ऑक्सीजन है जिनको मैंने रेड मार्क्स से शो कर रखा है, क्योंकि दो नाइट्रोजन पर तो क्या पाए जाएंगे, लोन पेयर, और चार ऑक्सीजन पे क्या पाए जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार ये किस प्रकार का हुआ, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और इसे शॉर्टली किससे शो करते हैं, EDTA-4। नेक्स्ट देखिए पिरिडीन, पिरिडीन यही होती है आपकी, और पिरिडीन पिरिडीन को शॉर्ट में किससे शो करते हैं, पी बाई, किससे शो करते हैं, पी बाई। और इसमें डोनर एटम कितना है, सिर्फ एक नाइट्रोजन, और डोनर एटम एक है तो आपको पता है जब डोनर एटम एक होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट, क्या बोलते हैं उसे, मोनोडेंटेट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ नंबर ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो को शॉर्ट में किससे शो करते हैं, ओ एक्स, किससे शो करते हैं, ओ एक्स। और इस पर ये कैसा है, चार्ज्ड, ये कैसा है, चार्ज्ड, और इस पर चार्ज कितना है, -2। देखिए क्योंकि एक ऑक्सीजन पर माइनस और दूसरे ऑक्सीजन पर -1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -2। और इस पे डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, और कौन से डोनर एटम हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, जिनको मैंने रेड मार्क कर रखा है। नेक्स्ट देखिए 10th ग्लाइसिनेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसमें लिखिए ग्लाइसिनेटो में इस पर चार्ज कितना है, -1, कितना चार्ज है, -1। और इसमें डोनर एटम कितने हैं, दो, इसमें डोनर एटम कितने हैं, दो, तो ये लिगेंड तो कैसा है, वाइडेंटेड लिगेंड, तो कैसा है, वाइडेंटेड। और डोनर एटम कौन कौन से हैं, एक तो नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर हैं, और एक ऑक्सीजन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है।
ये आपको समझ में आ गया। और ग्लाइसिनेटर को शॉर्ट में किससे शो करते हैं, GLY, किससे शो करते हैं, GLY। नेक्स्ट लिगेंड देखिए आपका, नेक्स्ट लिगेंड क्या है, डाई एथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, जिसे आप बोलते हो HDMG या DMG। आपने लैब में काम किया होगा तो आपने इस नाम सुना होगा DMG। तो आप इस और इसकी प्रिपरेशन भी करोगे सेकेंड ईयर में कि निकल DMG के द्वारा आप क्या बनाओगे, DMG के द्वारा क्या बनाओगे, सॉरी निकल DMG। अब देखिए इसमें डोनर एटम कितने हैं, 2। चार्ज कितना है, 1। ध्यान रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा इसी में क्रिएट होता है। देखिए 2 डोनर एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए, जबकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है, फिर भी ये डोनर एटम की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो जब आप इसकी प्रोसेस देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये डोनर एटम की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ डोनर एटम कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। चार्ज कितना है, -1। चार्ज कितना है, -1। ये आपके क्या है, लिगेंड्स हैं। देखिए मैंने आपको 11 लिगेंड पहले बता दिए थे, अब कुछ लिगेंड अब बता रहा हूं। जैसे आपका नेक्स्ट लिगेंड है एसिटिल एसिटेनेटो, क्या है, एसिटिल एसिटिनेटो। अब देखो ये कैसे एसिटिनेटो बना, एसिटिल एसिटिनेटो, आपको पता है ये वाला जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, एसिटिल, ये क्या होता है, एसिटेनेटो, ये क्या होता है, एसिटेनेटो। अब ध्यान रखना कि ये जो एसिटिल ग्रुप है, एक तो इसका ये ऑक्सीजन है, ये इसके पास फ्री क्या होते हैं, लोन पेयर, या लोन पेयर दे सकते हैं, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर दे सकता है। और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से लेके इस ऑक्सीजन तक क्या करता है, बाया कॉन्जुगेशन, किसके द्वारा, कॉन्जुगेशन के द्वारा क्या करता है, मूव करता है। देखिए किस प्रकार, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी ओ। देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस साइड मूव किया, ये इस साइड मूव किया, और ये फिर इस साइड मूव हो गया। देखिए यहाँ से ये मूव किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, इधर सी, इधर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ये ओ नेगेटिव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस प्रकार क्या होता रहता है, सर्कुलेट। तो हम इसे किस प्रकार शो करते हैं, वैसे देखिए किस प्रकार शो करते हैं इसे, इसे शो किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार शो करते हैं कि इस पर -1/2, इस पर -1/2, और ये किस प्रकार सर्कुलेट होता रहता है, इस प्रकार, ठीक है। और इसको शो किससे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AC AC -1। ये क्या है, प्रोपिल डाइएमीन, क्योंकि ये ग्रुप क्या है आपका, प्रोपिल, इसमें 2 NH2 ग्रुप लगे हैं तो डाइएमीन, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PN। इसमें 2 क्या है आपके डोनर एटम, और दोनों क्या है, नाइट्रोजन। इसमें 2 डोनर एटम क्या है, दोनों ऑक्सीजन, ये समझ में आ गया होगा। थर्ड देखिए, ट्राई मेथिलीन डाइएमीन, ये CH2 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 को क्या बोलते हैं, मेथिलीन, CH2 को क्या बोलते हैं, मेथिलीन। यहाँ पर कितने CH2 है, 1 2 3, तो 3 के लिए ट्राई, CH2 है तो मेथिलीन, ट्राई मेथिलीन। कितने NH2 ग्रुप हैं, 2, तो डाइएमीन। और इसमें डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, और कितने हैं, 2, तो 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, न्यूट्रल है, 2 डोनर एटम है, तो वाइडेंटेड है, ये सारे क्या हैं, वाइडेंटेड, ये 2 न्यूट्रल और ये नेगेटिव चार्ज्ड। थायो ऑक्सीलेटो, ये एक ऐसा लिगेंड है जो होगा तो वाइडेंटेड,
होगा तो क्या, वाई डेंटेड, बट इस ये जिस इसमें सल्फर सल्फर भी डोनर एटम हो सकते हैं। एक टाइम पे ध्यान रखना दो ही डोनर एटम होंगे, लेकिन क्या हो सकते हैं वो, सल्फर सल्फर हो सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो सकते हैं और सल्फर ऑक्सीजन हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सल्फर ही सल्फर हो या ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो, लेकिन ध्यान रखना इसका या इसका सल्फर है तो इसका ऑक्सीजन हो सकता है, या ऐसा नहीं हो सकता कि एक के ही, एक का ही तो सल्फर गया एक का ही ऑक्सीजन गया, ऐसा नहीं होगा। एक का तो सल्फर होगा एक का ऑक्सीजन होगा, या दूसरे का सल्फर होगा दूसरे का ऑक्सीजन होगा। ध्यान रखना इस पर चार्ज कितना है, माइनस टू, कितने डोनर आइटम है, दो, तो ये कैसा होता है, लिगेंड वाई डेंटेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, डाइमेथिल। ध्यान रखना इस जो यौगिक है ये, इसका जो नोमेनक्लेचर है इस साइड से चल रहा है, किस साइड से, इस साइड से। देखिए ये क्या है आपका, डाइमेथिल, दो एमी ग्रुप जुड़े हुए हैं, डाइमेथिल। ये क्या है, पीएस3, पीएस3 के तीन है, चटाके हमने क्या जोड़ दिया, आर ग्रुप, तो फॉस्फिनो। ये क्या है, एथेन, तो डाइमेथिल फॉस्फिनो एथेन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएमपीई। नेक्स्ट देखिए सत्रवां लिगेंड क्या है, डाइमेथिल फॉस्फिनोमेथेन। ये तो वही है जो यहाँ पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, डाइमेथिल डाइमेथिल, ये फॉस्फिनो पीएस3 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक, यहाँ पर दो कार्बन की श्रृंखला थी तो एथेन आ गया, यहाँ पर एक ही है तो मेथेन आ गया, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डोनर एटम कौन से हैं आपके, फॉस्फोरस कोमा फॉस्फोरस। यहाँ पर भी डोनर एटम क्या है आपके, फॉस्फोरस कोमा फॉस्फोरस। अब देखिए यहाँ पर आप एमी की जगह कोई भी आर ग्रुप ले सकते हो, फेनिल वगैरह जो कुछ भी, यदि आप पीएच लगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनिल फॉस्फिनो एथेन। यदि यहाँ पीएच लगा दोगे सभी जगह तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनिल फॉस्फिनो मेथेन। इस प्रकार इनके नाम होंगे। नेक्स्ट आपके सिर्फ ऑर्गेनिक लिगेंड बचे हुए हैं, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।